हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अभी हम बात करेंगे दोस्तों बिरला सॉफ्ट के बारे में। बिरला सॉफ्ट से ही KPIT निकली है दोस्तों, ये जरूर याद रखना। और ये मल्टी वैगर कंपनी है दोस्तों, और आज के दिन कंपनी ने रिजल्ट पेश किया अपनी। बिरला सॉफ्ट 52 वीक हाई पे चल रहा है अभी, और नेट प्रॉफिट राइजेस 23%। इनका प्रॉफिट 23% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और मार्जिन भी इनके एक्सपांड हो चुके हैं। ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है दोस्तों, और अभी देख सकते हो बिरला सॉफ्ट अभी एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट टू एस्टैब्लिश जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस। तो आप देख सकते हो बिरला सॉफ्ट ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ये जनरेटिव AI सेंटर एक्सलेंस सेंटर। तो जिस R&D टाइप ये खोलने वाले, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। तो कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है, और ये कंपनी आगे चल के आपको अच्छी रिटर्न दे सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पे करेक्शन में मिल रहा था स्टॉक, अभी करेक्शन से बाहर निकली है ये कंपनी। और ये शेयर अभी 300-400 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये 1000 रुपीज के लेवल आपको जरूर दिखाएगा दोस्तों। और अभी प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, 1 मंथ 14%, 3 मंथ 48%, ईयर टिल डेट 34.6%, 1 ईयर 23.3%, और 3 साल में 271% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इसने। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए दोस्तों, 3 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसको रिटर्न का यहाँ पे अंदाजा है दोस्तों। जो 1 साल से भी इन्वेस्टेड है इसमें, तो उसको तो यहाँ पे लगेगा अरे क्या बस 23% बने हैं। तो मगर आप लॉन्ग टर्म जहाँ पे जाओगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। और लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए अपने इन्वेस्टर को। अप्स एंड डाउन ज़्यादा है मगर रिटर्न दिए। और देखिए इसमें 11 एनालिस्ट काम कर रहे दोस्तों, 64% बाइंग की राय दे रहे, और 36% है जो होल्ड की राय दे रहे। कोई अंडर परफॉर्म सेल की राय नहीं दे रहा है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे 11, एक दो नहीं 11 एनालिस्ट काम कर रहे दोस्तों, तो उनकी नॉलेज दोस्तों अलग लेवल की रहती है। उनकी रिसर्च नॉलेज, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और उनका बहुत सारा पेपर वर्क वगैरह और कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो इसीलिए एनालिस्ट बोला जाता है इनको। और अभी देखिए बिरला सॉफ्ट लिमिटेड की यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, और यहाँ पे डेटा है इनका मिलियंस में, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे। तो अभी जून 22, मार्च 23 और जून 23 का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जून 22 से स्टार्ट करते हैं, 11,698 मिलियन। फिर यहाँ पे इन्होंने अगले क्वार्टर में किया 12,240 करोड़, यहाँ पे पिछले क्वार्टर में अभी, और अभी इस क्वार्टर में किया 12,768 करोड़। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनका रेवेन्यू बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है। तो ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने BSE पे अपलोड किए, और BSE पे उन्होंने और एक प्रेजेंटेशन भी अपलोड किया है, वो दिखाता हूँ अभी। अभी आगे यहाँ पे देखिए आपको पूरा पता चलेगा कि कैसा इनका बिजनेस है। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है इनका, और ये मिलियंस में है डेटा। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इधर से जाना पड़ेगा आपको, वो उस शीट में है जो इधर से जाना पड़ रहा था, राइट टू लेफ्ट, और यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाना है आपको। अभी जून 22, मार्च 23 और जून 23, आप देख सकते हो 11,544 मिलियन, फिर बाद में किया मार्च 23 में 12,264 मिलियन, और अभी किया 12,628 मिलियन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% का रेवेन्यू बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.4% का रेवेन्यू बढ़ चुका है। अभी देखिए एक्सपेंस जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह सब कुछ काट छाट के इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अभी देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने किया था जून 22 में 1,207 मिलियन का प्रॉफिट, फिर मार्च 23 में किया 11,122 मिलियन का प्रॉफिट, और इस क्वार्टर में किया इन्होंने 11,375,000 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट बढ़ा है 22.6%, और ईयर ऑन ईयर बढ़ा इनका 13.9%। आप देख सकते हो जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने, 1,200, 1,100 और 1,375 मिलियन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया इनका। तो ये कंपनी आगे चल के आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के वीक रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ पे इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों। और अभी देखिए यहाँ पे इनका रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है, आप देख सकते हो अमेरिका, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनका ज़्यादा तो बिजनेस आप देख सकते हो यहाँ पे अमेरिका से आता है, यूरोप से थोड़ा बहुत आता है 9% के आसपास, अमेरिका से 84%, यूरोप से 9.2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5.9%। तो ये काम तो इंडिया में करती है दोस्तों कंपनी, मगर इनका बिजनेस ज्यादा तो आप देख सकते हो अमेरिका से आता है। तो इनको डॉलर में पैसा मिलता है दोस्तों, तो इसी वजह से ITU कंपनियों की जो भी एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी बहुत हाई रहती है। और आप देखिए ये किस किस इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, लाइफ साइंसेज एंड सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका क्वार्टर एंड में रेवेन्यू किस बिजनेस से कितना आया है वो भी दिखाया यहाँ पे इन्होंने। तो आप ऐसे कंपनी के और डिटेल में एनालिसिस करके आप इसमें हीवीली इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, ऐसी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देनी चाहिए दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 402 रुपीज, कल के दिन इसमें लगभग 6% की रैली हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6% भाग चुका है, और 400 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और आप देख सकते हो अर्निंग एक्सपेक्टेड यहाँ पे कल का ही था, तो कल इन्होंने रिजल्ट पेश कर दिया दोस्तों। और आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप है 11,000 करोड़ का,
फेस वैल्यू है 2 और डिविडेंड यील्ड 0.87%। और बिग शार्क इन्वेस्टर देखिए, एक्सिस ग्रुप 5.53%, बिरला ग्रुप 3.2% और आईसीआईसी ग्रुप 2.5% की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। बड़े बड़े ग्रुप ने हेविली इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों इसमें। और अभी देखिए यहाँ पे बोनस कब दिया इन्होंने, 2006 में 1:1 का बोनस दिया, 2012 में 1:1, और अभी देखिए 2005 में इन्होंने एक बार स्प्लिट दिया, और अभी 2007 में भी इन्होंने एक बार स्प्लिट दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट और बोनस अलग अलग डेट्स के आप देखिए यहाँ पे। तो ये कंपनी आगे चल के और स्प्लिट बोनस दे सकती है दोस्तों। आप देख सकते हो अभी भी इसका फेस वैल्यू जो है 2 है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू फेस वैल्यू 2 है। तो एक बार ये कंपनी स्प्लिट दे सकती है और बोनस तो चाहे जितनी बार दे सकती है कंपनी। और रेवेन्यू देखिए, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू देखिए तो कंटिन्यूअसली कंपनी का बिजनेस बढ़ती जा रहा है। 2019 में 2550 करोड़, 20 में 3290 करोड़। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके यहाँ पे रिजल्ट में कोई यहाँ पे कोविड का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। 20 में भी नहीं और 21 में देखिए 3555 करोड़, 22 4130 करोड़, अभी 23 में कंपनी ने 4794 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, उम्दा कंपनी है। और आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली बिजनेस बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है तो ठीक है, ये मैनेज कर लेगी कंपनी प्रॉफिट का, मगर रेवेन्यू बढ़ना चाहिए दोस्तों। रेवेन्यू पे ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो रेवेन्यू पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। कहीं कंपनियां तो आपको पता है लॉस में चल रही है जो स्टार्टअप है, तो ये कंपनी लंबे समय से काम कर रही है तो थोड़ा सा प्रॉफिट में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कभी एक्सपेंसेस बढ़ गए, कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस बढ़ गए, कुछ टैक्स आ गया, कुछ और चीज़ें रहती है, तो एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से इनका प्रॉफिट थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसी कंपनियां बस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना है और कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिखाएगी। हाँ, 400 करोड़ से डायरेक्ट 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ पे अगर कंपनी का प्रॉफिट आता है तब आपको चिंता करने की जरूरत है। थोड़ा सा 2-4% इधर उधर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो जब रिजल्ट आएगा थोड़ा रिजल्ट का सेंटिमेंट लेके शेयर गिर भी जाएगा, मगर वापस रिकवर भी कर लेगा, तो ऐसा रहता है दोस्तों। बस यहाँ पे जो बड़े प्लेयर रहते हैं वो यहाँ पे बेचते हैं, फिर शेयर नीचे आ जाता है, फिर से खरीद लेते हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी रहती है दोस्तों। और ईपीएस देखिए, ईपीएस भी अप्स एंड डाउन होते रह रहे हैं इनका। और डेट टू इक्विटी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख सकते हो 0 डेट, कोई यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है दोस्तों, और डेट फ्री कंपनी है, तो इस कंपनी को आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और अभी हम आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 41%, एफआई है 11.3%, डीआई है 24.49%। आप देख सकते हो डीआई ने कितना हीवी इन्वेस्ट किया है, और पब्लिक है यहाँ पे 23%। तो पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल उठा रखा है, और इसमें और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी शामिल है दोस्तों। तो इसी कंपनियों पे आप फोकस रखिए, ऐसी कंपनियां अभी आगे चल के आपको अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि अभी आप अगर जाओगे मार्केट में देखोगे तो आप यहाँ पे विप्रो छोड़ दिया आपने, तो आप पहले 10-15 स्टॉक अगर देखोगे आईटी सेक्टर के तो 2000 के ऊपर मिलेंगे दोस्तों। अकेला विप्रो छोड़ दीजिए आप, 400 का विप्रो है अभी तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी शेयर देखोगे तो आपको 2000, 3000, 5000, 6000 ऐसे ही दिखेंगे दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये कंपनी अच्छे प्राइस पे भी मिल रही है, और कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, और ये यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी बोल सकते हो, तो ऐसी कंपनी है ये, तो इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए और पेशेंस दिखाइए दोस्तों, तभी जाके आपको यहाँ पे रिटर्न का यहाँ पे एंजॉय करोगे, आप आगे चल के रिटर्न एंजॉय कर पाओगे अगर पेशेंस दिखाओगे। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक रहने दो, आप मार्केट की दिग्गज कंपनी रिलायंस में भी लॉस बुक करोगे दोस्तों। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप रिलायंस में भी लॉस बुक कर सकते हो दोस्तों। तो ऐसा ही रहता है कंपनियों का, तो आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाएंगे और कंपनी आपको अच्छे रिटर्न जरूर देगी दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।